नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। नदियों में बाढ़ जैसे हालात अभी भी बने हुए हैं। जबलपुर की जीवनदायिनी नर्मदा नदी में अपने उफान पर बह रही है। ग्वारीघाट के दरोगा घाट की हालत नर्मदा नदी के तेज बहाव के चलते काफी खराब हो चुकी है। एक तरफ घाट पर गंदगी का आलम है तो दूसरी तरफ घाट पर बिजली के खंभे और बरगद के पुराने पेड़ भी जमींदोज हो गए हैं। इन अव्यवस्थाओं के चलते ग्वारीघाट में आने वाले श्रद्धालुओं को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ग्वारीघाट के पंप हाउस के पास का आने जाने वाला रास्ता ही खतरनाक साबित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुराने पंप हाउस का ऊपरी हिस्सा टूटने से लोग जान जोखिम में डालकर उस पर से गुजर रहे हैं। नगर निगम के जिम्मेदारों को भी कई बार इसकी शिकायत की गई लेकिन अभी तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। स्थानीय लोगों ने पंप हाउस के टूटे हिस्से पर फाइबर की शीट डाल दी है। इसके बावजूद लोगों में खतरे का डर बना हुआ है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि बारिश के चलते काफी समय से घाटों की लाइटें बंद पड़ी हुई हैं, जिसके चलते लोगों का शाम के वक्त घाटों पर आने से समस्या हो रही है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। भैया जी, गली में पेड़ पड़ा है, दो तीन चार दिन हो गए हैं। हम कृपा करें यहाँ से साफ करवा लेंगे। भीड़ पड़ेगी, क्या बोलते हैं, गणेश जी विसर्जन होंगे तो अभी भीड़ पड़ेगी। हाँ, फिर पोरखा लग जाएंगी, पेतर का चलेगा तो भीड़ पड़ेगी, तो गली में डाला है, कृपा करके आप उठा लीजिए। कौन सा घाट है ये? दरोगा घाट है। कहाँ से बह के आ रहा है ये? जे हनुमान जी मंदिर है ना, वहाँ से बह के आएगा। पानी खोलने के 4-5 दिन हो गए? हाँ, 4-5-6 दिन हो गए पानी खोल के। नगर निगम से कोई नहीं आया? हाँ, नगर निगम से कोई नहीं आया है। आपका नाम? रोशनी बर्मन। या मैं तो यहाँ पे ग्वारी घाट में नाव वाला हूँ, नाव चलाता छोटू वर्मन। यहाँ पे भैया हम लोग जाते हैं यहाँ पे, तो वो नीचे जो पंप हाउस है ऊपर बना है तो वहाँ पे थोड़ा सा बैठ निकलने के लिए बहुत दिक्कत होती है आदमी को। और वहाँ पे रिक्स वाला काम वहाँ पे पूरा बनना चाहिए, अच्छे से पूरा ढकना चाहिए, क्योंकि पंप में अभी अगर कोई जाता आता है तो गिरने का चांस है। वहाँ एक बार गिर भी गई थी एक आंटी जी लोग को, हम लोगों ने उनको निकाला भी था एक बार। क्या ये बंद है? क्या हमें बंद रहता है, मगर वो ऊपर से भैया व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हो रही है वहाँ पे। पूरा ढकना चाहिए, पूरा बंद भी होना चाहिए वहाँ पे। या उसको नष्ट कर देना चाहिए जी भैया। हाँ, एक पेड़ भी अभी गया है वहीं से, यहाँ पे पेड़ भी डला है वहाँ पे पूरा। तो थोड़ा सा व्यवस्थाएं नहीं है, थोड़ा अच्छे से बन जाए। प्रशासन से ये चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा बन जाए, डेवलप हो जाए थोड़ा सा। कितना रिस्की काम है यहाँ से? हाँ, ये जाते लेते हैं, रोज आना जाना लगा है। देखो पानी का डीप बड़ा, तो वहीं से लोग आ रहा जा रहा है। वहाँ पे व्यवस्थाएं उतनी ज़्यादा नहीं है, एकदम से गिरने का चांस रहता है। ढक्कन लगा नहीं है, पूरा तरीके से बंद नहीं हुआ। वहाँ पे सोच रहा है कि अच्छा बन जाए बढ़िया पूरा, लोगों को आना जाना में दिक्कत होती है। फाइबर की प्लेट लगी हमने। हाँ, रात के समय में अंधेरा लग जाता है, अभी बारिश का समय चल रहा है तो रात में अंधेरा लग जाता है। अपन सोचते लोग भी देखो अभी आ रहा जा रहे हैं सब लोग, तो थोड़ा सा बंद हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। अभी दिक्कत रहती है, पूरा खुला है अभी, रिक्स वाला काम है, गहराई भी ज़्यादा है वहाँ पे। आपका नाम? छोटू वर्मन। बारी बार अजी, हमारे ये घाट की बहुत 1.5 साल हो गया है, जब से लाइट चालू नहीं हो रही है। पब्लिक बहुत परेशान होती है, रात में अंधेरा पड़ता है। ये दरोगा घाट है, बोल बोल के बहुतों से बोला मगर कोई सुनाई नहीं करती है। और अभी ये बारिश हुई थी तो इसमें झाड़ उखड़ गया है, तो वो पाइप उखड़ा हुआ पड़ा हुआ है। कब से पड़ा है? अभी 15-20 दिन हो गया। कईयों से बोला कि भैया इसको थोड़ा ध्यान दो, कोई ध्यान देने वाला तैयार नहीं है। ये पंप हाउस बना हुआ है, ये पुराना हो चुका है, ये झंझर हो चुका है। अब इसके ऊपर से आते जाते हैं लोग, बाग एक टंकी पूरी मुँह हो चुकी है। अभी ये नया ऊपर बनाया है, कई जगह देख रहे हैं फाइबर की उससे ढाके हुए हैं इसको। ये टंकी से ढाके हुए हैं, वो कमजोर है। ये डिब्बा होते हैं ना, डिब्बा की ये सीटें ढाके हैं, इसमें कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है। अंदर बड़ा पंप है, वो अभी बंद पड़ा है। अभी ये नया बना है तो अभी उसको चालू नहीं किया। अब इतना ऊपर से ये बताइए कि ये नीचे है, अब पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा इतना? वो अंदर बनाया अभी नया, अगर नया पंप बना तो इसको रिपेयर करना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए? या अब इसको कुछ भी तो करें, या तो बना दें या तो फिर नष्ट करें। खतरा इसमें बहुत खतरा है, माटी पूरी भर जाती है, आना जाना सब पब्लिक इसी के ऊपर से करती है। आपका नाम? मसंदापुरी। ये विगत पिछले दिन जो तेज बारिश हुई है, 3 से 4 दिन होगा ये वृक्ष इधर डला हुआ है।
अभी मेरा नगर निगम से और जिला प्रशासन से निवेदन है कि इसे अति शीघ्र दर से अलग किया जाए, क्योंकि कल से पितृपक्ष भी लगना है और गणेश विसर्जन भी होना है कल से, तो इसमें श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए जो कठिनाइयां का सामना करना पड़े इसको उठने से वो बच सकें, इससे मेरा निवेदन है जिला प्रशासन से कि इसको अति शीघ्र दर से अलग किया जाए। कौन सा घाट है ये? दरोगा घाट है। यहाँ पब्लिक तो बहुत आती है, पब्लिक आती है क्योंकि जब पब्लिक मेन रोड में दबाव पड़ता है तो साइड से इस रोड का उपयोग किया जाता है, जो रोड सीधे खारी घाट से अपना रेत नाका निकलती है। आपका नाम? देशराज सिंह। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।